हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नया चैप्टर लेके। ठीक है, ये चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, और इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मालूम है अभी के समय में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम दोनों तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। इसलिए मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन का मैं वीडियो डाल दे रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आज वीडियो में देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर ऑफ गोवा। ये चैप्टर का नाम है ए बेकर ऑफ गोवा, इसके ऑथर कौन है, यानी कि इसके राइटर कौन है, इसको लेखा कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी है लूसियो रोड्रिज। ठीक है, ये लूसियो रोड्रिज जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बेकर नोन एज इन गोवा। गोवा में जो बेकर जो लोग रहते हैं वो लोग को क्या कहा जाता है, तो वो लोग को कहा जाता है पेडर। ऑप्शन नंबर ए पेडर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। तो जो वहाँ का जो गोवा के जो बच्चे लोग होते हैं, तो ज़्यादातर जो बच्चे लोग ईयरली वेट करते हैं, किस चीज़ का वेट करते हैं कि जो बेकर जो होते हैं, जो ब्रेड बेचने वाले होते हैं, तो वो लोग का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। और स्पेशली वो लोग किस चीज़ करते हैं, वो जो बेकर बेचने वाले में ब्रेड वो लोग को पसंद नहीं है, ब्रेड के साथ जो ये लोग लाते हैं ब्रेड बैंगल्स। एक्चुअली में ये ब्रेड बैंगल क्या होता है, एक गोल्ड गोल्ड टाइप का इस टाइप के होता है, जो मीठा मीठा होता है, तो वह बच्चों को बहुत पसंद रहता है, इसलिए ये ब्रेड बैंगल्स इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। जो बेकर वाले लोग होते हैं, जो ब्रेड बेचने के लिए आते हैं, वो एक दिन में कितने बार आते हैं, तो एक दिन में दो बार आते हैं। एक बार आते हैं, एक बार बेचने के लिए आते हैं, फिर दूसरे बार जब वो वापस रिटर्न अपने घर जाते हैं तब। ठीक है, दो बार दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। पाँचवा नंबर देखिए, व्हाट वाज कॉल्ड कबाई। जो यहाँ पे कबाई किसको बोला जाता है, तो कबाई वाला बेकर के ड्रेस को, जो बेकर लोग होते हैं, जो ब्रेड बनाने वाले लोग होते हैं, उसे बेकर कहते हैं। और वे लोग जो ड्रेस पहनते हैं स्पेशल टाइप का ड्रेस, उसे बोला जाता है कबाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं छठे नंबर में, कुर्ग इज ए डैश कंट्री। कुर्ग जो है ये कॉफ़ी कंट्री कहलाता है। कुर्ग एक जगह का नाम है जो कि आपका कर्नाटका में है। इंडिया का जो कर्नाटका राज्य है वो कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है, ये कुर्ग का बात कर रहा है। यहाँ कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। सातवां देखते हैं, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। तो हमने पहले ही बताया कि कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो वो है कर्नाटका में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आठवां नंबर देखिए, द फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। तो इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे कुर्ग के, जो कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, वहाँ के ये इंडिया का फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा। इसका नाम क्या था, जनरल करियप्पा। करियप्पा ये कहाँ, ये रहने वाले थे कुर्ग के। नवा नंबर देखते हैं, डैश रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। ठीक है, तो ये कुर्ग के लोग जो होता है कौन सा नदी से पानी प्राप्त करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। दसवां नंबर देखिए, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग। कुर्ग में कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, तो कुर्ग जो है रिवर राफ्टिंग भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, माउंटेन बाइकिंग ये भी आपको मिल जाएगा, पहाड़ों पर बाइक चलाते हैं ये भी देखने को मिल जाएगा, कैनोइंग ये भी मिल जाएगा, और यानी कि ये तीनों आपका वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ अबव ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्यारहवा देखते हैं, व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोडागू। कोडागू का जो 30% एरिया है वो किस चीज़ से कवर्ड है, तो डेसीडियस फॉरेस्ट है, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या माउंटेन है, या फिर नन ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन में से सही आंसर आपका जो है, आपका ऑप्शन नंबर है बी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी हरियाली हरियाली पे मतलब हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी, तरह तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। बारहवा नंबर देखिए, कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ। तो कुर्ग जो है वो किसके, मतलब किसके बाद आए थे, तो आपका ये जो हो जाएगा
ग्रीक और अरब्स, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ए एंड बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 13वें नंबर देखते हैं। देखिए टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन डैश। देखिए जो चाय सबसे पहले था, हम एक बात बता देते हैं कि चाय के सबसे पहले जो पीने के जो शुरुआत हुआ था वो चीन से शुरुआत हुआ, तो कब से शुरुआत हुआ था, तो ये 2700 BC में शुरुआत था, बैकवर्ड क्रेश, यानी कि ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 14वें नंबर देखते हैं क्वेश्चन को कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। ठीक है, प्रांजोल के जो पिता थे वो टी के स्टेट चलाते थे, टी चाय के बागान में एक उसका एक अपना बागान था, ठीक है, तो वो चलाते थे, तो उसका नाम के आना क्या था, तो वो ढेकियाबाड़ी, ऑप्शन नंबर जो बी है ये ढेकियाबाड़ी उसका नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, 14 नंबर देखिए, एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग डैश टू। जब ये जो राजवीर और प्रांजल ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो जो जो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे, लगभग लगभग सभी आदमी कुछ पी रहे थे, तो क्या पी रहे थे, तो सही आंसर क्या है, वो चाय पी रहे थे, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर देखिए, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। असम को पॉपुलर क्या कहा जाता है, तो असम को कहा जाता है टी कंट्री, क्योंकि जो इंडिया का जो असम है वो चाय के बागानों के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, इस तरह से टी कंट्री कह सकते हैं उसको। 16वें नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट वर्ड लाइक, या क्या है, 16वें नंबर कह रहा है कि व्हाट वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम। चाय और चीनी जो दो वर्ड है, चाय और चीनी, ये दोनों वर्ड कहाँ से आया है, तो ये दोनों वर्ड आया है आपका चाइना से, चाइना से ये दो वर्ड आया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ ए डैश देन डैश। जो चाहिए क्या भरा जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यहाँ पे मेडिसिन भरा जाएगा, यहाँ इस खाली जगह पे मेडिसिन भरा जाएगा, और इस खाली जगह में बी बेवरेज बोला जाता है, मेडिसिन के रूप में बी बेवरेज के रूप में। तो पहले तो ये मालूम है कि चाय को एक तरीका से लोग यूज करते हैं कि चाय पीने से भूख भी कम लगती है, और उसके बाद चाय पीने से नींद भी नहीं आती, इस तरीके से लोग अगर ज़रूरत के हिसाब से चाय पीते हैं, और बहुत सारे लोग तो चाय का इस तरह का लत लग जाता है कि तो वो छोड़ते ही नहीं हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाई ढेकियाबाड़ी, ढेकियाबाड़ी क्या था, तो ढेकियाबाड़ी एक्चुअली में एक टी गार्डन था मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, प्रांजल के जो पिता थे एक टी गार्डन चलाते थे, चाय का एक गार्डन चलाते थे, और उसी का नाम था ढेकियाबाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 19वें नंबर में, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश और स्प्रोटिंग पीरियड। जो दूसरे स्प्रोटिंग पीरियड का क्या पीरियड था, क्या समय था उसका, तो उसका समय है मई से लेके जून तक, ठीक है, मई से लेके जून तक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आपका 20वां नंबर देखते हैं, वेयर डिड प्रांजल एंड राजवीर स्टडी। प्रांजल और राजवीर, तो अभी तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ रहा है कि प्रांजल और राजवीर दोनों फ्रेंड रहते हैं, और वो दोनों ट्रेन से सफ़र करके जा रहे होते हैं, कहाँ, दार्जिलिंग जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दोनों पढ़ाई कहाँ कर रहे होते हैं, तो ये लोग पढ़ाई कर रहे थे कहाँ के, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये देखिए 21वें नंबर में, हु कट ऑफ हिज आई लिड्स टू अवॉइड बींग स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। एक वो साधु था, तो वो जो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए थे, तो उसे बार बार नींद आ जा रहा था, तो उसने नींद आ जा रहा था, तो उसे नींद से बचने के लिए क्या किया था, उसने अपने जो आँख के पलके थे उसे काट के फेंक दिए थे, और जिस जगह में आँख के पलके को फेंका था, तो उसी जगह से चाय की पौधे हो गए थे, और चाय की शुरुआत भी उसी तरह से हुआ था, इस तरह से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बुद्धिस्ट एस्थेटिक, ये इसका सही आंसर है, कि बुद्ध ने ही अपने आँखों के पलकों को काट के फेंका था। 22वां नंबर देखते हैं, वाई वाइज कीसा गौतमी सैड। कीसा गौतमी क्यों सैड रहते, क्योंकि उसका एकमात्र जो बेटा था वो मर जाता है, ठीक है, तो हर ओनली सन हैड डाइड, ऑप्शन नंबर जो ए है, हर ओनली सन हैड डाइड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उसने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो पहला उपदेश दिया था कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बनारस में दिया था, जो बनारस जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 24 नंबर देखिए, व्हाट इज द वर्ल्ड एफ्लेक्टेड विथ। वर्ल्ड किस चीज से एफ्लेक्टेड है, तो डेथ एंड डीके, ऑप्शन नंबर जो सी है डेथ एंड डीके। डेथ क्या मतलब क्या होता है, मृत्यु, और डीके मतलब क्षय हो जाना। आदमी क्या होता है, पहले बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर
जम जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि धीरे धीरे आदमी आदमी का बढ़ता है और फिर उसका उम्र भी धीरे धीरे ढलने लगता है, उसका जो ताकत भी कम होने लगता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 25वां नंबर देखिए, वेयर डिड बुद्धा सीट, बुद्ध कहाँ बैठे हुए थे गौतम बुद्ध, तो वो बैठे हुए थे ऑप्शन नंबर ए पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल ट्री इस क्वेश्चन का हो गया आपका सही आंसर। चलिए 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, बुद्धा के अनुसार जो सबसे बड़ा सफरिंग का मेन कारण क्या है, जो पीड़ित होने का मेन कारण क्या है, तो वो है लॉस ऑफ लव्ड वन। कोई प्यारा चीज़ अगर आदमी को खो जाता है ना, तो वो बहुत उदास रहने लगता है। यानी कि उदास बोलता है कि किसी भी आदमी का मेन उदासी का कारण होता है वो कोई अपना बहुत ज़्यादा प्यारा चीज़ खो देता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होता है वाइज। ठीक है, जो अपन दुखी नहीं रहते हैं उसका दुखी रहने वाले लोग ही होते हैं बुद्धिमान। ठीक है, 28वां नंबर देखिए, व्हाट इज द फ्री फ्रॉम सोरो। एक तरह का था हम बोल सकते हैं कि क्या चीज़ है जो दुख से मुक्त है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी आदमी को दुख नहीं है, दुख तो है ही, बड़ी उम्मीद रखेंगे तो दुख तो होंगे। तो यहाँ पे बोला कि कौन से लोग को दुख नहीं होते हैं, तो कौन से लोग को दुख नहीं होते हैं, तो हु ओवरकम सोरो, जो अपने दुख से आज़ादी पा लेते हैं वही हु ओवरकम, वही जो दुख से बचे हुए रहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ही सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। 29वां नंबर देखते हैं, व्हाट डिड कीसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन लाइफ बैक। जो कीसा गौतमी रहती है उसका जो एकमात्र बेटा मर जाता है, तो वह दर दर भटकने लगती है कि वो हर साधु हर घर पर पास जाता है कि कोई ऐसा दवा दे दे जिससे मेरा अपने बेटे को फिर से जिंदा कर सकूँ। ठीक है, तो वो तो क्या चीज़ खोज रहा था, तो वो खोज रहा था मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन हमको कोई हमें दे दो जिससे मैं अपने बच्चे को खिला दूँ और वो वापस जिंदा हो जाए। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो कीसा गौतमी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए घर घर जाती है और क्या खोजती है, तो वो खोजती है मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज खोजती है। ठीक है, सरसों के बीज खोजती है ताकि जिसको खिला के अपने बच्चे को बचा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये आपका इस सत्र का आपका आखिरी भी क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डिड हर नेम, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। देखो उस पेड़ का नाम क्या पड़ा था जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था या फिर मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो क्योंकि गौतम बुद्ध उसमें उपदेश कर रहे थे इसलिए उसका बोधि ट्री नाम पड़ गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो मैंने इस सत्र में आप लोग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, और इसी बेस पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आज के अभी के जो पैटर्न बदलता हुआ पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।